अगर आपका व्हाट्सएप और आपका जो फेसबुक है कोई और यूज़ करे और आपको पता ना चले तो आपको कैसा लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जिसकी मदद से आपके व्हाट्सएप या फिर आपके फेसबुक को कोई और यूज़ कर सकता है और आपको मालूम भी नहीं होगा। आपके व्हाट्सएप फेसबुक या फिर जीमेल अकाउंट आपके अलावा कोई और दूसरा यूज़ कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यूज़र को पता भी नहीं होता है कि आपका अकाउंट कोई और यूज़ कर रहा है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक मैसेजिंग ऐप है। सोशल मीडिया ऐप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फेसबुक ऐप का बोलबाला है। ऐसे में इन ऐप्स की ज़रूरी सेटिंग्स के बारे में आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों अकाउंट्स आपके काफ़ी पर्सनल होते हैं और आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई और भी इन्हें आपके साथ यूज़ कर रहा हो। आप में से कई इन सेटिंग्स के बारे में जानते भी होंगे लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इन सेटिंग्स के बारे में मालूम ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग उस सेटिंग्स को चेक कर सकते हो और आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक को सिक्योर कर सकते हो। वेल दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल क्रेजी टेक सॉल्यूशन। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर से सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक में कैसे करेंगे चेक। दोस्तों फेसबुक में अगर आपको चेक करना है कि कहीं आपके फेसबुक को कोई और लॉगिन नहीं किया है तो इसके लिए फेसबुक पर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। इसके बाद आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशंस को ओपन करना है। आप जैसे ही फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे आपको राइट में टॉप कॉर्नर में आपका लोगो दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको थोड़ा नीचे जाना है और आपको यहाँ पर सेटिंग मिलती है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपको यहीं पास एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी पे आपको मिलता है सिक्योरिटी एंड लॉगिन। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर से क्लिक करोगे तो देख सकते हैं वेयर यू आर लॉग्ड इन, आपके फेसबुक अकाउंट को किस किस ने लॉग इन किया है यहाँ पर से आपको साफ साफ दिख जाता है। यहाँ पर आपको सी ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर से विस्तार तरीके से देख सकते हो। तो जैसे आप लोग सी ऑल पे क्लिक करोगे यहाँ पर से आपको फोन्स आ जाएंगे कि किस किस फोन में आपके फेसबुक अकाउंट को लॉगिन किया गया है और आपको यहाँ पर से डेट भी शो हो रहा है। क्रोम ब्राउजर से लॉगिन किया गया है, यहाँ पर से फोन से लॉगिन किया गया है। अगर आपको यहाँ पर से दिखता है कि आपके फोन से लॉगिन नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, साइड में थ्री डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपको लॉगआउट का ऑप्शन है, लॉगआउट पे क्लिक कर देना है। इससे वो जो अकाउंट है उस फोन से डिलीट हो जाएगा। अगर आप इससे भी बेहतर सिक्योरिटी चाहते हो तो तुरंत ही अपने फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स। फेसबुक अगर आप यूज करते हैं तो इस सेटिंग को जरूर देखिएगा और चेक जरूर करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप की इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो कि आप लोग व्हाट्सएप तो जरूर यूज करते होंगे। व्हाट्सएप में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पता करना है कि आपके फ़ोन को, आपके व्हाट्सएप को कोई और यूज़ ना कर रहा तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो आप सभी के लिए बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के जरिए भी देख सकते हो। व्हाट्सएप एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर से राइट में कॉर्नर में थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। लिंक डिवाइस का ऑप्शन है, यहाँ पर से देख सकते हो लिंक डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर से देख सकते हो लिंक डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा जहां आपको क्लिक कर लेना है। यहां क्लिक करते ही आपको एक लिस्ट दिखाई देगी जहां से ये पता चलेगा कि आपका व्हाट्सएप किस किस डिवाइस पे लॉगिन है। अगर यहां आपका डिवाइस नहीं है तो समझ लें कि आपका व्हाट्सएप मैसेज कोई और पढ़ रहा है और यहां से आप लॉग आउट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप इसे आसानी से लॉग आउट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर से जैसा आपको इंटरफेस शो हो रहा है मेरे फ़ोन में, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा जो फ़ोन है, मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है बिल्कुल सिक्योर है। अभी ये किसी भी मोबाइल में ओपन नहीं है। अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा ही इंटरफेस शो हो रहा है जैसे मेरे फ़ोन में शो हो रहा है तो इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपका अभी वो जो व्हाट्सएप अकाउंट है बिल्कुल सिक्योर है, अभी किसी और ने हैक नहीं किया है और कोई और आपके मैसेज को नहीं पढ़ रहा है। लेकिन
नीचे आपको कई सारे ऑप्शन अगर आपको शो हो रहे हैं तो उसे आपको जल्दी से लॉग आउट कर देना है। अगर आप यहाँ पर से लिंक का डिवाइस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग किसी भी दूसरे फ़ोन में इस व्हाट्सएप को ओपन कर सकते हैं, क्रोम ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो सेटिंग्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। तो इस तरीके से व्हाट्सएप और फेसबुक को आप सिक्योर कर सकते हैं कुछ सेटिंग्स का यूज़ करके। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ जानकारी आपको सीखने को मिली होगी। ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।